Assalamualaikum, this is Afshanbeg, Islamabad consultant. Hope you all are doing great. आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लास्ट लाइव सेशन के बाद मैंने बहुत ज़्यादा क्यूरीज रिसीव की थी यूएई मार्केट से रेलिवेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोगों को सॉरी कि जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे तो सबको रिप्लाई करना मेरे लिए डिफिकल्ट था. सो दैट्स वाई आज की ये मैंने वीडियो उन सब लोगों के लिए बनाई है ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उनका रिप्लाई मैं इस वीडियो में कर सकूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ मच बजट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ ब्रांड इन यूएई मार्केट. सो देखिए, यूएई मार्केट एक छोटी मार्केट है, वहां पे ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको ज्यादा बजट नहीं चाहिए. अगर आपके पास $5,000 हैं तो आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक छोटी मार्केट है, वहां पे कंपटीशन कम है. स्पेशली वहां पे एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ज्यादा बजट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बजट जो हमारा कंज्यूम होता है वो एडवर्टीजमेंट में होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये एज है आपको यूएई मार्केट में कि कंपटीशन कम होने की वजह से आपको एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा बजट नहीं लगाना पड़ता. सो दैट्स वाई आप कम बजट के साथ अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं. अच्छा, विच इज बेटर, होलसेल और पीएल? तो देखें, होलसेल या पीएल दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप पूछेंगे कि कौन सा बेहतर है यूए मार्केट के लिए, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि प्राइवेट लेबल बेटर है. उसकी वजह ये है कि सबसे पहली चीज कि वो आपका अपना ब्रांड है, आपका एसेट है, ठीक है. जबकि होलसेल जो है वो किसी और का ब्रांड है और वहां पे हम किसी और के ब्रांड को प्रमोट करने जा रहे हैं. सो इससे ज्यादा बेहतर है कि अगर आपको बजट भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, आपके पास कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है, तो फिर आप क्यों ना अपना ब्रांड बिल्ड करें बजाय इसके कि हम किसी और के ब्रांड को प्रमोट करें, ठीक है. सो दैट्स वाई बेहतर है कि आप प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर पीएल इन यूए? तो देखें, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि चाहे यूके है, यूएस है या यूएई है, आप लोग रैपिड लॉन्च की जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी दी है इनेबलर्स ने आपको, उस स्ट्रेटेजी को यूज करें. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ज्यादा बजट लगाने की जरूरत ही नहीं है. सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है बिजनेस को लेके वो ये होती है कि हमें कहीं लॉस ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में आप जा रहे हैं, कहीं पर कोई गारंटी नहीं है आपको. तो फिर आपको ये इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी दे दी है इनेबलर ने कि आप थोड़े से प्रोडक्ट्स अपने उठाएं, ठीक है, और उसको लॉन्च करके देखें, और फिर जिस प्रोडक्ट में अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है उसको फिर फर्दर प्रोसीड करें. और यूएई मार्केट का तो सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है आपको कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स अवेलेबल हैं यूएई में, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. आप वहीं से प्रोडक्ट्स उठाएं अपने रैपिड लॉन्च के लिए और से 10 आइटम लॉन्च करें, देखें जो बेहतर है, फिर उसको प्रोसीड करें. इवन मैं कहती हूँ आप 50-50 यूनिट उठा लें, सिर्फ 50-50 पीस उठाएं एक प्रोडक्ट के, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इस तरीके से लॉन्च करें और फिर रिजल्ट्स देखें. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च मेथड फॉर दिस मार्केट? तो देखिए, वैसे तो डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि टूल्स के साथ साथ सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप लोग मैनुअल हंटिंग करें. मैनुअल हंटिंग बहुत जरूरी है यूएई मार्केट में, क्योंकि उससे आपको एग्जैक्ट डाटा पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है. उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी कि कैन यू डू लॉन्च अ प्रोडक्ट विदाउट पीपीसी इन दिस मार्केट? सो यस, यू कैन डू, क्योंकि ये एक छोटी मार्केट है, यहाँ पे कंपटीशन कम है. सो आप यहाँ पे विदाउट पीपीसी भी अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं. इवन मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट थे. सो आप यहाँ पे अच्छी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को लॉन्च करें, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं उनको यूज करें और अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाएं. आई होप कि आप लोगों की जो क्यूरीज हैं कुछ ना कुछ रिजॉल्व जरूर हुई होंगी. और इसके अलावा भी अगर आप लोगों की क्यूरीज हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो बनाकर उन सब क्यूरीज का भी रिप्लाई कर दूं. थैंक यू सो मच. दो हमें याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.